जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जहां गुट है, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में बख्त लगाए। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए आया है। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला चंद सहाबे किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, कौला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पर मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं तूने मेरी फौज देखी है, 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है, हजरत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हां एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा हे जी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इतला कर दो वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरह मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए, ये ना सोचा कि होगा क्या। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए, जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचा, लोगो जल्दी करो जल्दी करो, पहुंचो खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू बैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, बुरका ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। साहबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। साहबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुरका पोष तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं,
तू कहाँ चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, मुँह पहुँचाने चली हूँ, हमें दे दे हम पहुँचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानू तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी, आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं ओ मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुरका पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों तुमने कभी सोचा नहीं, खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है, वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के नर्दे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया, न इसको आवाने सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी, तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हजरत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम नबी ने अमानत तुम्हारे से बुर्द की है, मैदान हशर बरपा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहाँ है। कुछ लोग कहेंगे और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहाँ रह गया, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहाँ गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला? इश्क तो सहाबा इकराम को था, मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा की कसम मदीने की हवा में जो खुशबू है तुम्हारी, वो कस्तूरी में नहीं हो सकती, वो मुश्क में नहीं हो सकती, वो अंबर में नहीं हो सकती, वो ज़ाफ़रान में नहीं हो सकती। अरे मदीने की हवा में जो खुशबू है, जो गुंबद खिदरा से टकरा कर आती है, उस हवा में खुशबू भी निराली है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी इधर आओ हुजूर, इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा इकराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए, दो तीन मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आओ इश्क की बात तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमा दिया, तवज्जो करना, लश्कर को रुखसत करते वक्त फरमा दिया, ओ मेरे दीवानों, ओ परवानों, ओ मेरे जानिसारों, बात सुनो,
पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना, फिर झंडा अब्दुल्ला इब्ने रवा के हाथ में देना, फिर झंडा उसामा बिन सैद के हाथ में देना। हुजूर के कलाम की मुराद को अगर सहाबा नहीं जानते तो कौन जानता है। समझ गए सहाबा कि जाफिर तैयार शहीद होंगे, ये जो हुजूर ने फरमाया फिर उसको देना, फिर उसको देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की, फरमान की, इरशाद की मुराद और मंशा गर्ज़ो ग़ाय़ सहाबा समझ गए कि जाफिर तैयार शहीद होंगे और फिर अब्दुल्ला बिन रवा भी शहीद होंगे और उसामा बिन सैद बच के आएंगे। सहाबा का तजर्बा था हुजूर के कलाम को समझने के लिए। अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि तसल्ली तो मेरी हो गई कि मैं शहीद होऊंगा, इस जंग में वापस नहीं आऊंगा। मगर चलो जुमे का दिन है, सवारी मेरी बड़ी तेज है, मैं आखिरी जुमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे क्यों ना पढूं, और जुमा पढ़ के जाऊंगा, एक मर्तबा और अपने आका का दीदार करूंगा। वापिस मदीने में आए, घर ना गए, बीवी बच्चों में ना गए, बागो बहार में ना गए, फसल बाड़ी में नहीं गए, लोगों में नहीं गए, सीधे मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। जुमे की नमाज के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला मैंने तो तुझे सुबह रुखसत किया था लश्कर के साथ, तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तू तो चला गया था फौज के साथ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे मां बाप कुर्बान हो जाएं, आपके फरमान से मैंने ये अंदाजा लगाया कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा यह आखिरी जंग है, यह आखिरी जिहाद है। मेरे दिल में एक बात आई, आज जुमे का दिन है, अपने आका के पीछे जुमा भी पढूं, आखिरी जुमा पढूं और आखिरी दीदार करके जाऊं। अब थोड़े से मुझे आप बोल के बताएं, अब्दुल्ला इब्ने रवा का यह इश्क है कि नहीं? कोई डर की बात नहीं, कोई खौफ की बात नहीं, बीवी बच्चों की मोहब्बत ने नहीं खींचा, बागों को देखने नहीं गया, बच्चों से मुलाकात के लिए नहीं गया। अरे हुजूर का इश्क है, कहता आखिरी जुमा, आखिरी दीदार, आखिरी मुलाकात। और अर्ज किया मेरे आका मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा, मेरी सवारी बड़ी तेज है। इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सुरख हो गया। फरमाया अब्दुल्ला तू साथियों को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे 500 साल बाद में बहिश्त में जा सकेगा। क्यों? इसलिए चाहे तुम इश्क के तहत आए, मोहब्बत की वजह से आए, जज्बे की वजह से आए, जुमे के लिए आए, मेरे दीदार के लिए आए, मेरी मुलाकात के लिए आए, जब मैंने रुखसत कर दिया था मेरे हुक्म में ताखीर क्यों की? पता चला इश्क भी वो मकबूल है जो हुजूर की गुलामी के अंदर अंदर हो। गुलामी से बाहर जो इश्क है वो इश्क नहीं, वो फरेब है, वो दजल है। आज आप देख ले, नाम देखो, शक्ल देखो, नाम होगा आशिक रसूल और शक्ल देखो तो खुदा की कसम बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे इंदिरा का भतीजा हो। पहचान नहीं सकेगा आदमी, क्या कर सकता है आदमी शक्ल में? सूरत नहीं, सीरत नहीं, लिबास नहीं, अखलाक नहीं, किरदार नहीं, तमाम चीजों का तख्ता निकाल के रख दिया है। और आज कौम इसी वजह से मुसीबतों से दो चार है, वो नरगे में फंसी हुई है, वो निकल नहीं सकती, वो सहारा ढूंढ रही है मादी कुव्वत का। हुजूर नाराज हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबी कहते हैं मैं चाहता था जमीन फट जाए, मुझे लुकमा बनाकर निकल जाए। साहबी कहता है मुझे जिंदगी तलख लगने लगी, हाय मेरे आका मुझसे नाराज क्यों हो गए।
अब्दुल्ला इब्न रवा तशरीफ ले गए, घर फिर भी नहीं गए, बाल बच्चों में फिर भी ना गए और जाकर के जिहाद में शरीक हो गए। तीन दिन गुजर गए, कोई चीज हलक में ना गई, कमर सीधी नहीं हो सकती थी, जंग सख्त था, लड़ाई शदीद थी, तलवारें चल रही थी। अब्दुल्ला इब्न रवा फरमाते हैं, मुझे भूख लगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे याद आया मेरे थैले में गोश्त के खुश्क टुकड़े मौजूद है, मैं उनको मुंह में लेकर जरा चूसने लगा, मुझे मदीने का बाग याद आया, मुझे बीवी याद आई, मुझे औलाद याद आई। अरे नबी के दीवाने का तर्ज जिंदगी देख, सहाबी कहता है मैंने उंगली हलक में डालकर वो बोटी बाहर निकाल दी। अच्छा मैं तुझे कुछ खाने के लिए देने लगा हूं तो यहां बैठकर घर याद आया, खड़ा हो गए और फरमाने लगी, ओ मेरी बीवी और तुम्हें तलाक, ओ मेरे बाग बाहर जाओ, इस्लाम के लिए वक्फ हो तुम, आज के बाद मेरे नहीं। किसी ने पूछा क्या कह रहे हो, फरमाया हां हां, नक्शा सामने क्यों आया, आखिरी वक्त में दुनिया का नक्शा मेरी आंखों में क्यों खींचा। साहबी ने अपने दिल में तसव्वुर भी लाना अच्छा ना समझा, मेरी आकबत खराब ना हो जाए, मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। अब्दुल्ला इब्ने रवा तलवार लेकर खड़े हो गए, किसी ने लिखा तीन दिन का, बाद ने लिखा पांच दिन का, भूखा साहबी टुकड़े हो गया। ये था इश्क जिसे इश्क कहा जाता है, लेकिन हुजूर की अंदाजा लगाओ, हुक्म में ताखीर की वजह से 500 साल बाद को बहिश्त में जा सकेगा, और जिन्होंने हुजूर के अहकाम को सरे से ठुकरा दिया, सरे से मानना ही नहीं, इनकार कर दिया, अब ये फैसला तुम करो, अब ये फतवा तुम दो कि वो जन्नत में कब जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी, जिस सूरत से भी उनको लगाया गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सब कह दो रज़ियल्लाहु तआला, मिस्र के इलाके में काफरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो संगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक और किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा, और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है और उस रास्ते को खराब कर दिया गया, उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुसन की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उरे नहीं ठहरता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया, व कुल्लिल मुमिनीन يغضوا من أبصاركم ويحفظوا فروجكم ذلكم أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون। मुसलमानों अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अगर तुम कुनखी आंखों से भी देखोगे खुदा तुम्हारी साथ है, वो तुम्हारी तमाम हरकतों को देखता है।